एपिसोड पहला, पहली जंग। अभी महाराजा विश्वजीत की युद्ध कौशल एवं युद्ध नीति की शिक्षा पूरी हो भी नहीं पाई थी कि अचानक एक दिन उनके राज्य में एक गुप्तचर आया। सेनापति जी, सेनापति जी। सेनापति ने गुप्तचर की तरफ देखा जो पूरी तरह से घबराया हुआ था। सेनापति ने जल्दी से उस गुप्तचर से उसके घबराहट का कारण पूछा। क्या हुआ, कौन सी समस्या आन पड़ी? प्रभु, एक अशुभ सूचना है। गुप्तचर सारी बात सेनापति को बताने लगा, जिसे सुनकर सेनापति बहुत परेशान हो गए और तुरंत ही महाराज से मिलने जा पहुंचे। सेनापति युद्ध कक्ष में जल्दी ही पहुंच गए, जहां पहले से ही महाराज विश्वजीत उनका इंतजार कर रहे थे। कहिए सेनापति, क्या बात है? यूं अचानक इस वक्त आधी रात में मिलने का कोई कारण? जरूर कोई विशेष बात ही होंगी। सेनापति बताने लगे, जी हां महाराज, आपकी आज्ञा से हमने उत्तर राज्य की तरफ बांध लगा दिया था और साथ ही जिन राजाओं ने हमें सेना देने से मना कर दिया था उनमें से एक राज्य है संघपुर, जिसके राजा है राजा सोमनाथ। उन्होंने हमारे इस बांध लगाने वाले निर्णय से नाराज होकर उत्तर के सीमा पार के राजा राजा गंधर्वनाश से संधि कर ली है और अब तो गंधर्वनाश ने हमारे राज्य पर चढ़ाई भी शुरू कर दी है। और साथ ही सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है, पहले ही उनकी सेना हमसे दुगनी थी, परंतु अब संघपुर के राजा के साथ संधि होने के बाद से उनकी सेना हमसे तीन गुना बड़ी हो गई है। विश्वजीत सेनापति की बात सुनकर पहले तो कुछ गंभीर से हो गए, लेकिन फिर सेनापति से पूछने लगे, सेनापति जी, ये गंधर्व राजा वही है ना जिसने 18 राज्यों के राजाओं के बीच सबसे अधिक बल का प्रदर्शन करके मनु राज्य की राजकुमारी रूपरेखा को स्वयंवर में जीत लिया था? सेनापति जी ने राजा विश्वजीत से कहा, जी हां महाराज, आपने सही पहचाना। फिर महाराज विश्वजीत इस बात पर कुछ मुस्कुराए और आगे कहने लगे, कोई बात नहीं सेनापति जी, आप तुरंत अपनी सेना को तैयार कर दीजिए, सेना का नेतृत्व हम स्वयं करेंगे। महाराज, आप स्वयं? सेनापति बड़े चिंतित होकर पूछ बैठे। हां सेनापति जी, और आपको मालूम है ना, हमें ज्यादा सवाल सुनने की आदत नहीं है, जितना आपसे कहा जाए उतना ही करें। महाराज विश्वजीत ने कड़े शब्दों में, कुछ समय के बाद युद्ध भूमि में पहुंचने के बाद एक तरफ महाराज विश्वजीत खड़े थे, वही 14 साल का राजा जिसने पहली बार जंग के मैदान में कदम रखा था, और उसके पीछे अपनी सेना 1000 घुड़सवार जो कि महाराज विश्वजीत के ठीक पीछे खड़े थे, और उनके पीछे 25,000 पैदल सैनिक, और उन 25,000 सैनिकों के ठीक बीच में कुछ कुछ अंतराल पर 500 हाथी सवार थे। उनके पीछे 10,000 सैनिकों ने हाथों में धनुष बाण ले रखे थे। उनसे आगे की श्रेणी में सैनिकों के हाथ में भाले और तलवारें थी। महाराज विश्वजीत ने सेना को कुछ इस तरह से खड़ा किया था ताकि वो कम से कम सैनिकों को गवाए एवं कुशलता से युद्ध लड़ सके और जीत सके, क्योंकि ये बात तो हर किसी को मालूम होती है कि युद्ध में बिना जान गवाए युद्ध जीतना तो नामुमकिन होता है। महाराज विश्वजीत की सेना के ठीक सामने दूसरी तरफ राजा गंधर्व खड़े थे। 7 फुट 3 इंच का गठीला शरीर, चेहरे पे घनी रौबदार मूछे, बहुत ही ज्यादा मजबूत एवं चौड़े कंधे और भारी भरकम मोटे मोटे हाथ, सफेद घोड़े पे सवार, और उनके ठीक पीछे उनकी सेना खड़ी थी, लगभग 1.5 लाख सैनिक, उनके साथ 15,000 से भी ज्यादा घुड़सवार और साथ ही 1,000 हाथी सवार थे। राजा गंधर्व महाराज विश्वजीत की तरफ देखकर जोर से हंसते हुए कहने लगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे तुम्हारी उम्र देखकर ज्यादा हंसी आ रही है या फिर तुम्हारी ये छोटी सी मुट्ठी बराबर सेना देखकर। बालक, तुम्हारे अभी खेलने कूदने के दिन थे और तुम यहां लड़ने आ गए, अपने प्राण से हाथ धोने आ गए। तुम्हारे लिए बेहतर यही होता कि तुम किसी और को इस युद्ध के लिए भेजो। क्या तुम्हारे राज्य में ऐसा कोई भी बड़ा और मुझसे युद्धवीर नहीं बचा जो हमसे मुकाबला करने यहां सबके सब भाग गए क्या, या डर के मारे छुप गए हैं कहीं? ऐसा कहकर राजा गंधर्व खूब जोर जोर से अट्टहास करने लगे। उसकी ऐसी बात सुनकर महाराज विश्वजीत भी खूब हंसने लगे
और खूब जोर जोर से हंसते हुए अचानक से अकेले ही अपना घोड़ा दौड़ाते हुए राजा गंधर्व की सेना की तरफ बढ़ गए। ये सब देखकर राजा गंधर्व चौंक गए। उसे कुछ भी नहीं समझ आया कि ये आखिर मासूम सा बालक क्या करना चाहता था। और फिर आधी दूरी तक आकर युद्ध भूमि के ठीक बीचों बीच पहुंचकर महाराज विश्वजीत अपने घोड़े से कूदकर उतर गए और वही खड़े होकर जोर से ललकार कर कहने लगे, राजा गंधर्व, तुम वही बाहुबली राजा हो ना जिसने 18 राजाओं को हराकर स्वयंवर जीता था, और अब तक तुम अनगिनत युद्ध भी लड़ चुके हो। सुना है तुम्हारी ताकत के आगे बड़े बड़े शूरवीर और सूरमा भी पानी भरते हैं। क्या तुम्हारे अंदर अब भी उतनी ही शक्ति बाकी है या फिर तुम अब बूढ़े हो चुके हो? राजा विश्वजीत ने राजा गंधर्व का उपहास करते हुए कहा। अपने लिए ऐसी बात सुनकर राजा गंधर्व पहले तो चारों तरफ देखने लगे, क्योंकि उसे अपने लिए ऐसी बातें सुनकर बड़ा अपमान महसूस हो रहा था। फिर अचानक से वो भी अकेले ही अपना घोड़ा लेकर गुस्से में महाराज विश्वजीत के पास आकर कहने लगे, बालक, तुम अभी नादान हो। शायद तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि युद्ध बातों से नहीं ताकत और सेना से जीता जाता है, और मुझे तुम्हारा मासूम सा चेहरा देखकर सच में तरस आ रहा है। मैं तो बस यही सोच रहा हूं कि मैं तुम्हें कैसे मार पाऊंगा, और ऊपर से तुम एक छोटी सी सेना लेकर हमसे मुकाबला करने आए हो। क्या तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस छोटी सी मुट्ठी भर सेना के साथ मिलकर हमें हरा सकते हो? तुम सच में ही एक नादान बालक हो। मेरी बात मानो और हार मान लो। मैं तुम्हें और तुम्हारी इस मुट्ठी भर सेना को यहां से जाने दूंगा, वरना मेरा भी नाम इतिहास में खराब होगा कि राजा गंधर्व ने एक बालक और उसकी मुट्ठी भर सेना को बड़ी बेरहमी से मार दिया। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर महाराज विश्वजीत ने कहा, महाराज, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं भले ही एक बालक हूं, परंतु आपके लिए एक शत्रु हूं, और आपका मुझे यूं बार बार बालक कहना उचित नहीं लगता, क्योंकि एक प्रतिद्वंदी सिर्फ एक प्रतिद्वंदी होता है। उसकी कोई उम्र या जात नहीं होती, ना ही उसका कद और रंग रूप देखा जाता है। महाराज, शायद आपने महाभारत के युद्ध से कोई शिक्षा नहीं ली। राजा गंधर्व, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। यदि हम ये युद्ध लड़ते हैं तो हम निसंकोच ये युद्ध हार जाएंगे, परंतु चूंकि हम क्षत्रिय हैं, तो हम बिना लड़े अपनी हार स्वीकार भी नहीं कर सकते। और आपकी इस बात में भी हमें कोई शक नहीं है कि यदि हम ये युद्ध लड़ते भी हैं, तो आपकी विशाल सेना हमारी इस छोटी सेना को बुरी तरह से रौंद देगी। महाराज विश्वजीत की ऐसी बातें सुनकर राजा गंधर्व गर्व से अपनी मूंछों को ताव देते हुए हंसकर कहने लगे, तो मेरे मूर्ख शत्रु बालक, फिर क्यों अपनी सेना की बलि चढ़ाने के लिए तू यहां चला आया है? क्या तुझे अपने सेना की जान की तनिक भी चिंता नहीं? राजा गंधर्व ऐसा कहकर विश्वजीत और उसकी सेना का उपहास करने लगे। महाराज गंधर्व, आपकी बात बिल्कुल सही है, अचानक से विश्वजीत बोले। उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर राजा गंधर्व स्वयं भी चौंक गए कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, कहीं ये कोई धूल चाल तो नहीं चल रहा। राजा विश्वजीत अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहने लगे, मुझे अपने से ज्यादा अपनी सेना की चिंता है, इसीलिए मैं यहां आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आया हूं। प्रस्ताव? राजा गंधर्व ने चौंक कर कहा। राजा गंधर्व कुछ समझ नहीं पाए और पूछने लगे, प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव बालक? तुम्हारे इस बात का क्या अर्थ है? क्या तुम ये बात विस्तार से बताओगे हमें? महाराज विश्वजीत ने कहा, महाराजा गंधर्व, ये बात पूरी तरह सच है कि बिना लड़े कोई क्षत्रिय राजा अपना राज्य किसी को भी नहीं सौंपेगा, और ये भी सत्य है कि यदि आप अपनी इतनी बड़ी लाखों की सेना के साथ हमारे कुछ मुट्ठी भर सैनिकों के साथ लड़ते हैं, तो आप युद्ध तो जीत जाएंगे, परंतु आपका नाम इतिहास में एक कायर और कमजोर राजा की तरह लिया जाएगा, जिसने एक बच्चे और उसकी मुट्ठी भर सेना को बेरहमी के साथ मार दिया। तो बालक, क्या तुम ये युद्ध नहीं करना चाहते? राजा गंधर्व ने राजा विश्वजीत से पूछा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा महाराज, विश्वजीत ने उत्तर दिया, लेकिन इस लेकिन को जानने के लिए आपको जाना होगा कुछ माह पहले,
जहां से शुरू हुई थी एक मासूम बालक के पराक्रमी राजा बनने की कहानी, जिस राजा में थी कुछ ऐसी बातें जो आम मनुष्य में नहीं हो सकती थी। शक्तियों का सम्राट और पराक्रमी राजा बनने की कहानी जानना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ इस सफर में, जहां आप जानेंगे इस लेकिन के पीछे का रहस्य। साथ ही क्या प्रस्ताव दिया था महाराज विश्वजीत ने राजा गंधर्व को, या फिर यह प्रस्ताव ही राजा विश्वजीत की थी कोई गहरी चाल? क्या वो इस चाल के जरिए राजा गंधर्व को हरा पाएंगे, या फिर राजा गंधर्व की सेना के डर से वो आपस में कोई समझौता करना चाहते हैं?